सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम खास मुद्दों पर खास व्यक्तियों से विचार ले रहे हैं। आज हमारे खास व्यक्ति में है राजन सिन्हा। कहते हैं कि नाम का मोहताज नहीं है, इनका संगठन युवा जागृति केंद्र जिले में चर्चित संगठन है, वह मजबूत संगठन है। संगठन के जरिए लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को खेल कूद के जरिए, मतलब जहां भी जिस तरह की सुविधा उपलब्ध हो संगठन के जरिए, वो अपना मेहनत से अपनी लगन से गांव में जा जाकर लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनका हम सफर बन रहे हैं, वहां के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं लोगों में और तरह तरह के लोगों को एक तरह से मतलब सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। संगठन चलाना कितनी बड़ी चुनौती है, सबसे पहले ये बताइए। संगठन बनाना और संगठन चलाना स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि जो जन समस्याएं हैं और जो मुद्दे हैं उनके प्रति लोगों में संवेदनशीलता की बहुत कमी है, लोगों के बीच जागरूकता नहीं है और इस कारण से लोगों को जागरूक करना, उनको संगठन से जोड़ना, उनको एक सार्वजनिक और सामाजिक लक्ष्य प्रदान करना स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। संगठन के जरिए हमने आपका देखा कि गांव-गांव में जाकर आप लोगों को खेल के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, जाड़े के दिन में कपड़े बांटते हैं, बरसात के दिन में लोगों को, जैसे हमने कहा देखा कि बहुत लोगों को, गरीब लोगों के जाकर के छाता देना या किसी तरह के सामाजिक कार्य करना, आखिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी कैसे निभाते हैं? देखिए, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी सार्वजनिक सहयोग से ही संभव है और जैसे कि आपने जिक्र किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद एक माध्यम है लोगों को संगठन से जोड़ने का और एक स्वस्थ जीवन शैली और एक सकारात्मक विचारधारा उनमें प्रवाहित करने का एक माध्यम है और इस माध्यम से लोगों को संगठन से जोड़ा जाता है ताकि सांगठनिक लक्ष्य के से वो अवगत हो सके और संगठन और उनका लक्ष्य एक रूप हो सके। संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे आप संगठन चला रहे हैं, एक तो संगठन बनाने के लिए आपको मतलब संगठन बनाने का क्या जरूरत पड़ा और दूसरी बात इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, संगठन बनाने की जो आवश्यकता महसूस हुई वो इसलिए महसूस हुई कि हमारे समाज में कई संगठन हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं और बचपन से लेकर के आज तक परिस्थितियों में कोई खास विशेष बदलाव नहीं देखा गया। हमने हमेशा ये महसूस किया कि जो स्थिति पहले थी लगभग वही स्थिति आज है, थोड़ा बहुत स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी है, जन समस्याएं आज भी हैं, रोजगार की अनिश्चितता आज भी है, गरीबी आज भी है, तो कहीं ना कहीं जो पहले से सक्रिय राजनीतिज्ञ रहे हैं उनके नियत और उनके काम में कुछ कमी रही है। इसको महसूस करते हुए हम लोगों ने एक युवाओं के बीच में एक स्वाभाविक सी एक प्रवृत्ति होती है कि जब वो समस्याओं का समाधान अन्य लोगों से प्राप्त नहीं करते हैं तो वो अंततः स्वयं समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं। बस यही प्रमुख कारण रहा कि संगठन का निर्माण किया जाए, संगठन का विस्तार किया जाए और युवाओं की शक्ति के माध्यम से जो भी वर्तमान जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आगे बढ़ा जाए। आप गांव-गांव में जाते हैं, युवाओं को जोड़ते हैं संगठन से, मैंने कई बार आपका जो है देखा कि गांव-गांव में आप खेल कूद या कई कह सकते हैं कि बहुत तरह के प्रतियोगिता कराते नजर आए, मीटिंग कराते नजर आए। क्या लगता है गाँव में जो विकास होनी चाहिए, जो अभी तक वो जैसे आपने कहा कि कहीं ना इच्छा शक्ति का अभाव रहा है जनपद, क्या लगता है गांव का विकास स्वरूप बदला है? गांव का स्वरूप बिल्कुल भी नहीं बदला है, लोगों के हाथ में मोबाइल नजर आ जाता है लेकिन जेब आज भी खाली है, उनके अनाज के घर आज भी खाली है,
आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में और खास करके जब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तो आप ये पाएंगे कि रोजगार की अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, अभाव बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है। कहने को सरकारी विद्यालय बना दिए गए हैं लेकिन कई ऐसे विद्यालयों में हम लोगों ने विजिट किया है, वहाँ हम लोगों ने देखा है कि बहुत 4-5 कमरों का विद्यालय बना हुआ है, कक्षा प्रथम से लेकर के 8वीं तक के पढ़ाई की व्यवस्था है लेकिन शिक्षक केवल एक है। ऐसा कई जगह देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी उनके जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है। शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन आ गया ऐसा लगता है? शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा थोड़ा सुधार है और उस सुधार का कारण कोई व्यवस्था या कोई राजनीतिज्ञ नहीं है बल्कि जनता है। जनता यहाँ थोड़ी ज्यादा जागरूक है। जनता यहाँ सोशल मीडिया हो या फिर जो समाचार के अन्य माध्यम है उसके कारण लोग थोड़ा ज्यादा जागरूक हुए हैं और वो प्रश्न थोड़ा बहुत पूछते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी बहुत सुविधा देखने को मिलती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका एकदम अभाव है। एकदम दिल पर हाथ रखिए, कहिएगा राजू जी, जो परिवर्तन होनी चाहिए एक विश्वास के साथ, जो एक नई चीज होनी चाहिए, युवाओं के हाथों में रोजगार, एक अच्छा बाजार, एक सुरक्षा, मतलब जो एक सुरक्षा के दृष्टि से लोग सुरक्षित महसूस करें, एक ये होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर डेवलपमेंट सब कुछ नजर आना चाहिए, लोगों को पानी मिलनी चाहिए जो समय पर मिलनी चाहिए, मतलब हर तरह के जो सुख सुविधा होनी चाहिए, क्या शहरी क्षेत्र में ये बदलाव आया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शहरी क्षेत्रों में भी आप देखिए, मैंने जो बदलाव की बात कही वो लोगों के जीवन शैली में बदलाव है, उनके जीवन शैली में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ ज्यादा बेहतर हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब शहरी क्षेत्रों में देखते हैं तो शहरी क्षेत्रों में आपको पढ़े लिखे बेरोजगार नजर आते हैं, यहाँ पर डिग्री धारक बेरोजगारों की भीड़ है। आप जब सामान्य जीवन की बात करें, अभी बरसात प्रारंभ हुआ है, इसके पहले बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, आपके शहर में पेयजल का संकट बहुत ज्यादा था, जलाशय सूखते जा रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि इतने उदासीन हैं। ये एक शहर है जो नदी से घिरा हुआ है, इन लोगों को कभी भी इतनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं हुआ कि यहाँ पर अगर छोटे दीवार के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अगर जल को बांधा जा सके तो इस शहर की जल की समस्या से निजात पाया जा सकता था। रोजगार की समस्या वैसे ही है, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव इस प्रकार है कि जब आप सदर अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर आप एक रोग के इलाज के लिए जाते हैं और अगर आपको दुर्भाग्य से वहां पर भर्ती होना पड़े तो आप किसी अन्य रोग से मर जाइएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बदहाली है। सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि आज तक रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विफल रहे हैं, असफल रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा है, कहीं ना कहीं उनके विचार और उनकी नीयत में कमी रही है, वो स्वार्थ से प्रेरित रहे हैं। स्वार्थ से प्रेरित रहे जनप्रतिनिधि, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति का भाव रहा कि आज शहर जस के तस, यानी बदलाव हुआ से दिखावा के रूप में, बाकी चीजों में बदलाव नहीं रहा। ईंट से ईंट और पत्थर में से मकान बन गए लेकिन जो है उनकी मतलब रहन सहन नहीं बदला, यही कह सकते कि उनकी जीवन शैली नहीं बदली। अब सवाल एक है कि क्या लगता है जिस तरह से आप संगठन चला रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, क्या युवा ये मतलब एक लगता है कि युवाओं में एक विश्वास है कि हाँ आने वाला समय में कुछ नयापन होगा डाल्टनगंज के लिए, शहर के लिए कुछ बदलाव होगा, जिला में कुछ बदलाव होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसा क्या युवा क्या बताते हैं आपके साथ? बहुत सारे युवा जुड़े हैं, आपको बता दें दर्शकों की युवा जागृति केंद्र जो जिले का जो इनका संगठन है, काफी संख्या में युवा इनके साथ हैं, हजारों की संख्या में इस संगठन से लोग जुड़े हुए हैं और सामाजिक इनका संगठन है, लगातार समाज के विकास के लिए लगातार बात करते हैं और सामाजिक मुद्दों पर लगातार जो है आगे बढ़ करके पहल करते हैं। क्या लगता है युवा जो आपके साथ राजन जी जुड़े हैं वो युवा क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ तो कई युवा है, हर तरह की बात होती होगी, क्या बोलते हैं? देखिए, युवा जो हमारे संगठन से और हमसे जो जुड़े हैं वो निश्चय रूप से एक परिवर्तन के लिए जुड़े हैं, उन्हें बदलाव चाहिए,
उन्हें संगठन की शक्ति पर भरोसा है, इसलिए आज भी बहुत बड़ी संख्या में युवा हमसे जुड़ रहे हैं और निश्चय ही युवा स्वयं परिवर्तन करेंगे। और युवा परिवर्तन के लिए किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही किसी का मुंह देखेंगे। हम लोग हमारे संगठन का ये ध्येय ही है कि भाई अगर हमें स्पष्ट और सकारात्मक बदलाव चाहिए तो हमें आगे आना होगा। निश्चय रूप से युवा स्वयं आगे बढ़कर परिवर्तन करेंगे। तो क्या लगता है, चुनाव का मौका आएगा तो आप भी चुनाव के मैदान में आएंगे ऐसा लगता है? लेकिन जहां तक बात, आपने कहा कि जनप्रतिनिधि विफल रहे हैं, तो क्या लगता है जनप्रतिनिधि तो ऐसा नहीं कि लोगों के दिलों में, मतलब एक जनप्रतिनिधि आप भी बन सकते हैं, आप भी चुनाव को मैदान में आप भी जनप्रतिनिधि बन करके मदद कर सकते हैं लोगों को, तो क्या लगता है कि जब मौका मिलेगा तो चुनाव से पीछे हटेंगे क्या आपकी चुनाव लड़ने के मन में? नहीं, चुनाव से पीछे हटने की तो बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि संगठन इस ओर प्रयासशील है, लगातार प्रयत्न हो रहा है। और युवा जागृति केंद्र या मुझे अगर चुनाव में आना होगा तो वो संगठन और संगठन के कार्यकर्ता तय करेंगे, और संगठन को पूरे जिले में हर जगह प्रखंड और पंचायत के स्तर पर समितियों का निर्माण कर दिया गया है, और अब ग्राम स्तर पर युवा जागृति केंद्र की समितियां बन रही हैं, कई जगह पर बन चुकी हैं और बड़ी संख्या में युवाओं को तैयार किया जा रहा है एक नए बदलाव के लिए और एक सकारात्मक बदलाव के लिए, जहां पर कि उनके विचारों में पहले मैं नहीं बल्कि पहले देश आता है। अब सवाल यह होता है राजन जी, आप क्या, मतलब आप युवा युवा का चुके काफी संख्या में युवा, आप युवाओं से क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें क्या करना चाहते हैं? युवाओं से जो आपसे नहीं जुड़े हो जी बिल्कुल, या जो नए जो आपके विचारों से नहीं होगा तो उनको क्या करना चाहेंगे? युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि अभी का जो युवा है ये एक बहुत अच्छी स्थिति ये है कि युवाओं के पास जो सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तीव्र है, आज के समय में इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज़्यादा है, युवा आज के समय में सोचने समझने में काफ़ी हद तक सक्षम है। युवाओं को ये सोचना चाहिए कि उनके देश के लिए, उनके समाज के लिए, उनके अपने शहर के लिए और स्वयं उनके भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है, जाति धर्म और जो प्रलोभन होता है उसके आधार पर अपने विचार को तय न करें, संकीर्णताओं से ऊपर उठें। किसी भी विषय पर संकीर्ण सोच बनाने के पूर्व पहले मंथन करें, सूचनाओं को प्राप्त करें, उसके बाद विचार तैयार करें। और याद रख लीजिए कि आज आप जो विचार तय करते हैं वो एक चुनाव को तो प्रभावित करता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो आपके स्वयं के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए विचार बनाने के पहले युवाओं को बहुत सतर्क रहना चाहिए और उन्हें ये देखना चाहिए कि कौन जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, कौन सी राजनीतिक दल, उनका सोच क्या है, कार्यशैली क्या है, और सही और गलत का निर्णय करना चाहिए और वैसी ताकतों का विरोध करना चाहिए जो कहीं न कहीं समाज को देश को कमजोर कर रही हैं या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हैं। युवाओं को एक स्पष्ट सोच के साथ देश और राष्ट्र के विचार को अपनाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं राजन सिन्हा जो युवा जागृति केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने संगठन को खड़ा इस उद्देश्य से किया है कि कुछ सामाजिक बदलाव युवाओं में बदलाव, और जो समस्या जो पिछले कई वर्षों से इस शहर को या इस जिले को एक ही जकड़ कर रखा उस समस्या से निजात मिले। और इनका ये भी उद्देश्य है कि युवा नई सोच से नए बदलाव ला सकते हैं और युवा अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। अगर उनके अच्छे विचार हो, अच्छी सोच से वो आगे बढ़ेंगे तो अपना भविष्य, अपने शहर का भविष्य, अपने जिला का भविष्य खुद तय कर सकते हैं। जरूरत है एक नए बदलाव की। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़।